नमस्कार, गाजीपुर की टॉप 5 खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अचानक गंगा के जलस्तर में बढ़ाव शुरू होने से तटवर्ती इलाकों में दहशत का माहौल है। लोगों की धुकधुकी बढ़ने लगी है। जलस्तर बढ़ने की जानकारी होने पर शुक्रवार को कोतवाली पुलिस तट पर पहुंची और लोगों को गंगा में जाने से मना किया। किसानों का कहना है कि अगर बाढ़ की नौबत आई तो खेती को काफ़ी नुकसान होगा। गंगा का जलस्तर रात से अचानक बढ़ना शुरू हो गया। इस समय धारा में काफ़ी तेज प्रवाह है। जलस्तर बढ़ने से कटान प्रभावित बच्छलपुर, सेमरा, शिवराय कापुर, रामतुलाई से शेरपुर के बीच रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों के मुताबिक अगर जलस्तर में बढ़ाव हुआ तो रामतुलाई के आगे ठोकर का सही ढंग से निर्माण न होने व बिना बालू भरी बोरी डालने जियो टेक्सटाइल ट्यूब से कटान का खतरा पूरी तरह से बरकरार है। अगर कटान शुरू हुआ तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल जलस्तर काफ़ी नीचे होने से खतरा कम है। बाढ़ आने से व्यापक स्तर पर मिर्च टमाटर के साथ अरहर बाजरा आदि की खेती बर्बाद होगी। नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरगोविंद सिंह के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी के क्रम में शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिहारी और जखनिया का उन्होंने औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मनिहारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा सब कुछ ठीक ठाक पाया गया, जबकि जखनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधीक्षक पिछले 3 दिनों से बिना किसी पूर्व सूचना के नदारद मिले। कई अन्य स्टाफ भी गायब मिले। इसको गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी का वेतन रोकने का निर्देश दिया। नौनहरा थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्र में शांति व्यवस्था के मद्देनजर सुबह करीब 9 बजे क्षेत्र के आरीपुर चट्टी पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। करीब आने पर जैसे ही पुलिस ने रुकने का इशारा किया वे वाहन घुमाकर भागना चाहे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने घेरेबंदी कर दबोच लिया। तलाशी लेने पर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर दत्ता निवासी चंदन शर्मा के पास से 22 बोर का तमंचा और 2 कारतूस, 360 रुपये नकदी तथा जंगीपुर थाना क्षेत्र बाबू रायपुर निवासी दीपक सिंह यादव के पास से 315 बोर का 1 तमंचा और 1 कारतूस, 1 मोबाइल, 110 रुपये नकदी सहित बाइक बरामद हुआ। पुलिस ने अभियुक्तों का संबंधित धाराओं में चलान कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ के साथ उप निरीक्षक हैदर अली मंसूरी, कांस्टेबल धीरज सिंह, कांस्टेबल सोनू गौड़, कांस्टेबल पिंटू पटेल और कांस्टेबल आदर्श यादव शामिल रहे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजा शुक्रवार को घोषित हुआ। होनहार विद्यार्थियों ने अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। नगर के अष्टभुजी कॉलोनी वासी डॉक्टर राजीव राय के पुत्र और शाह फैज पब्लिक स्कूल के छात्र दिव्यांश राय ने परीक्षा में 95.60 अंक पाकर स्कूल के साथ ही अपने माता पिता को गौरवान्वित किया। अपनी मांगों को लेकर 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल को स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से लिया है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की संजीवनी कहे जाने वाले 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों की पिछले कई दिनों से चल रही हड़ताल से मरीजों को दिक्कत ना हो, इसके लिए शासन द्वारा एस्मा भी लगाया गया था। अधिकारियों से वार्ता के बाद भी जिले के एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल जारी रखा। इसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशन पर एम्बुलेंस के 6 चालकों के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही एम्बुलेंस को दूसरे चालक और स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ को EMT के रूप में शामिल कर इस सेवा को बहाल कर दिया गया है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।